Hi friends, now again today our topic is figure of speech. We are continuing with the next topics. Okay, so here our first topic is adaptation, alliteration and assonance. Again I am here to say that all these topics are interrelated to each other. ये सारे topics एक दूसरे को interrelate करते हैं. कैसे? अब सबसे पहले हम देखेंगे adaptation. What is repetition? When particular words are repeated in the same sentence for a greater poetic effect called repetition. जब एक ही word, पूरा का पूरा word, जब sentence के अंदर कई बार repeat होता है, तो that time we can consider not within the sentence, but within the para. Okay, अगर para में, sentence में, whatever, wherever, वो अगर repeat होता है एक का एक word, then we can consider it as a repetition. Year, what is there? सबसे पहले क्या है? See, rain, rain, go away. We are saying a poem, rain, rain, go away, come again another day. Okay, so in that, what is there? Rain, rain, go away. So, rain and rain is repeated. The whole word is repeated twice. तो जब एक का एक word दो बार repeat होता है, तो उस समय हम उसको बोलेंगे repetition. In the same way, second example is there. I hope to see my pilot face to face. मुझे उसे face to face देखना है. The word face is repeated twice. दो बार हमने एक का एक word बोला. पूरा का पूरा word जब दो बार use किया जाता है, तो that time it is considered as repetition. सबसे simple ये figure of speech है. Now the next one, alliteration. अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा छोटे थे तब, consonants and vowels. These are the two sounds. Okay. What is vowel? Okay. A E I O U. What is that? A E I, O and U. All these are considered as vowels. And similarly, इनके सिवाय के जितने भी शब्द हैं, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? Consonant. अब हमको बस इन्हीं दो चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि B, C, D, F, G, okay. All these words, ये सारे क्या consider किए जाते हैं? Consonant. और उसके ये जो five words हैं, A, E, I, O, U, वो है vowel. अब देखते हैं. Your constant sound are repeated in a sentence for a musical effect. होता ये सब किसके लिए है? Musical effect देने के लिए. लेकिन अब उसके अंदर सबसे पहले हमको क्या बोला है कि constant sound is repeated. Okay, मतलब एक ही sound repeat होता है. लेकिन सिर्फ आपको ये चीज ध्यान नहीं रखना, उसके साथ में आपको ध्यान रखना है consonant. Okay, जब भी कोई भी consonant word repeat होता है, okay, and वो भी कहाँ पर? At the first position of a word. लेटर सेंटेंस के फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है, तो उस समय हम उसको बोलेंगे एलिट्रेशन. जैसे कि आप जानते हैं एस, एस इज अ कंसोनेंट, ठीक है. फिर भी देखो यहाँ पे शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, ठीक है, तो ये क्या कर रही है? सी शेल्स सी के किनारे पर बेच रही है. लेकिन इसके अंदर क्या है? हर एक जगह पर एस रिपीट हुआ है फॉर मोर देन वन, मोर देन ट्वाइस, ओके, ट्वाइस और मोर देन वंस. एक से ज्यादा बार जब एस रिपीट हुआ है, तो दैट टाइम वी कैन कंसिडर इट एज एलिट्रेशन. सिमिलरली यहाँ पर भी वापस हमारे पास एस वाले ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. शेप विदाउट फॉर्म्स, शेप विदाउट कलर, शेड विदाउट कलर, दीज आर द टू डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है. अगर ये दोनों वर्ड्स सेम होते तो हम उसको रेपिटिशन कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पर दोनों वर्ड सेम नहीं है, सिर्फ उनका फर्स्ट लेटर सेम है, शेप एंड शेड. ओके, तो एस इज रिपीटेड टू एस, वी कैन कंसिडर इट एज अ एलिट्रेशन. अब लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? एसोनेंस. दिस इज द रेपिटिशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वॉवल साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स फ्रेज एंड मेनी मोर. ओके, तो व्हाट इज देयर वॉवल साउंड? ध्यान से ये हमको ध्यान रखना है बस. यहाँ पर क्या है? कंसोनेंट, और यहाँ पर क्या है? वॉवल. जब भी कंसोनेंट वर्ड अगर रिपीट होते हैं, और वो भी कहाँ पर? एट द वेरी फर्स्ट पोजिशन ऑफ अ वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड के फर्स्ट पोजिशन पर. और उसी तरह से यहाँ पर क्या है? वॉवल, और वो भी कहीं पर भी हो सकता है विद इन अ वर्ड, ठीक है, लेकिन द पोजिशन मस्ट बी द सेम. जैसे कि आप देख सकते हैं क्लैप योर हैंड्स एंड स्टैंप योर फीट्स, तो क्लैप ए, देन हैंड्स ए, एंड ए, स्टैंप ए, ओके, फीट ई इज देयर, ओ इज देयर, ओके. तो यहां पर क्या हो रहा है? आप देखो ये सारे वर्ड्स हैं, इसके अंदर क्या है? ए,
ए इज कॉमन, सबके अंदर ये कॉमन है। और अगर हम वैसे देखें तो ये थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ पर भी वो थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ फर्स्ट है, सेकंड है। और सिंपली आप समझ सकते हो कि कोई भी अगर हम सेंटेंस देखें ना, उसमें मोस्ट प्रोबेबली आप याद रखना एसोनेंस होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझें तो मैंने वो वॉवेल इज यूज और विद इन अ वर्ड, ये क्या है एट द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द वर्ड, ये क्या है विद इन अ वर्ड। अगर विद इन अ वर्ड यूज होता है वॉवेल देन इट इज कंसिडर्ड एज एसोनेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्राई टू लाइट द फायर, वॉट इज देयर, एल आई एफ आई, आई इज अ वॉवेल एंड इट इज रिपीटेड, सो दिस इज एसोनेंस। फिर इट बीट्स एज इट स्वीप्स एज इट्स क्लीन, तो वॉट इज इट, ई ई ई, ओके, एवरीवेयर ई इज रिपीटेड, सो अगेन वी कैन कंसिडर इट एज अ एसोनेंस। अब आप देख सकते हैं ये ओके एवरीवेयर दैट इज रिपीटेड, सो हेंस वी कैन कंसिडर दैट ऑल थ्री आर सिमिलर, ये तीनों तीन एक दूसरे से सिमिलर है। तीनों में क्या चीज है, कोई भी एक शब्द का रिपीटेशन हो या फिर कोई पर्टिकुलर वर्ड का रिपीटेशन, आइदर अ लेटर और अ वर्ड। थैंक यू।